हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हेयर केयर वीडियो, जिसमें आपके बालों की चाहे से जो मर्जी समस्या हो, बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, तो सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है और बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजिली आपके घर में मिल जाती है। चलिए बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए देखते हैं कि क्या चीज़ है और कैसे इस्तेमाल में लानी है। एक नहीं, पांच तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ, तो जो भी तरीका आपको सुटेबल लगेगा उस तरीके से आप यूज़ कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। रेमेडी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कड़ी पत्ता। जैसा कि सबको पता है कि कड़ी पत्ता हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चीज है। कड़ी पत्ते में बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो कि हमारी हेयर ग्रोथ को बढ़ाते हैं। प्रोटीन, विटामिन, बीटा कैरोटीन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर ये कड़ी पत्ता हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। बालों को घना करता है, मजबूत करता है। इसके अलावा अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है उस केस में बहुत बेहतरीन है। डिफरेंट तरीकों से अपने बालों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है उसी हिसाब से आप इसे यूज में ला सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको पांच तरीकों से बताऊंगी कि किस तरह से आप इसे अपने बालों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं, ये है दही। दही का आपको पता ही होगा कि दही जो है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। प्रोटीन इसमें काफी हाई क्वांटिटी में होता है, प्रोटीन कैल्शियम, जो कि हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो करना क्या है आपने, सबसे पहले तो हमने ये जो आपके कड़ी पत्ते हैं इनको हम मिक्सर जार में पीस लेंगे और इनका रस हम मतलब निचोड़ लेंगे। तो मिक्सर जार में पहले हम पीसने के लिए इसे क्या करेंगे कि ये जो भी इसके पत्ते हैं इनको इस तरह से निकाल लेंगे। पत्ते निकालने के बाद हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि कोई भी धूल मिट्टी इसके अंदर ना रहे, और फिर मिक्सर जार में इसे डाल करके अच्छी तरह से पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो क्योंकि ऐसे ये अच्छे से फिर पीसेगा नहीं। इस तरीके से मिक्सर जार में हमने कड़ी पत्ता की पत्तियों को अच्छे से पीस लिया है और ये आपके बालों में ना फंसे तो इसको हम क्या करेंगे कि इसका रस जो है अच्छे से छान लेंगे। कोई भी कॉटन क्लोथ आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। फिर इससे क्या होगा कि बिल्कुल भी जो पत्तियों का पल्प जैसा है वो बिल्कुल नहीं आपके बालों में फंसेगा, फिर सिर्फ पानी पानी मतलब रस जो है इसका वही यहाँ पर रह जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये अच्छी तरह से फिर निचोड़ लेना है और ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ग्रीन आपका फिर ये रस रस रह जाएगा। इस तरह से कड़ी पत्ता का रस रस हमने यहाँ पे निकाल लिया है और आप कड़ी पत्ता को एज इट इज भी यूज में ला सकते हैं। वो कैसे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पांच तरह से मैं बता रही हूँ। पहला तरीका ये है कि मैंने यहाँ पे लिया है दही। दही में प्रोटीन काफी हाई क्वांटिटी में होता है और कड़ी पत्ता में भी बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, तो दोनों को मिलाकर के हम बनाएंगे एक अच्छा सा पैक। तो देखिए क्या करना है आपको, इस तरह से लगभग 2 से 3 चम्मच लेने हैं आपको कड़ी पत्ता के और इसमें हम मिक्स कर लेंगे। अब हमें कुछ और जो है इसमें ऐड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं रह गई है क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन पैक बन के रेडी हो चुका है। इसे आप अप्लाई करोगे अपने बालों में, मतलब कि स्कैल्प पे आपको बहुत अच्छी तरह से इसे अप्लाई करना है। आप कॉटन पैड की हेल्प से भी इसे अप्लाई कर सकते हो और बाकी अगर आपसे आपका दही थोड़ा सा थिक है तो उस तरह से आप अपने हाथों से भी इसे अप्लाई कर सकते हो। पत्ता प्रोटीन और आयरन का अच्छा स्रोत है, दोनों ही हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अब आपने नेक्स्ट आप इसको किस तरह से अपने बालों की ग्रोथ के लिए यूज करना है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो उस केस के लिए आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे देखिए ये लिया है नारियल का तेल। कोई से भी ब्रांड का आप नारियल तेल लीजिए और साथ में आपको लेना है कड़ी पत्तों का ये रस। दो तरह से आप यूज में ला सकते हैं। अगर आपको रस लेना है तो इस तरह जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप यूज कर सकते हो। रस यूज करने से क्या होगा कि जो भी आपके पत्तों के अंदर पोषक तत्व होते हैं वो इजिली इसके अंदर आपके रिलीज हो जाते हैं, तो बेहतर होता है कि आप रस का इस्तेमाल करें। अगर आपको रस नहीं लेना है तो आप कड़ी पत्ते लीजिए, उसको नारियल के ऑयल के साथ पकाइए और उस तेल को फिर आप अपने बालों में लगा सकते हैं। लेकिन ये वाला तरीका भी बहुत सिंपल है। देखिए करना क्या है आपने, जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसे यूज में ला सकते हैं। तो क्या करना है यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे लिया है ये 1 चम्मच नारियल का ऑयल। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग या फिर जितना आपको अपने बालों में मसाज करना है, काफ़ी हैवी क्वांटिटी में करना है तो आप उस तरीके से भी ले सकते हो। दोनों की क्वांटिटी हमने रखनी है सेम, जितना आपने ये नारियल का तेल लिया है उतना ही आपको ये रस लेना है कड़ी पत्ते का। तो मैंने यहाँ 1-1 चम्मच लिया है। अब अच्छी तरह से आपको इसे मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी देर आपकी लग जाएगी इसको मिक्स करने में, लेकिन फिर ये बहुत ज़्यादा मतलब वाटरी जैसा नहीं रह जाएगा अच्छे से अगर आप इसको मिक्स करते हो। इस तरह से आप मिक्स कीजिए। तो इस तरह से अच्छे से अभी देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। ऑयल और जो ये रस लिया था दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ऑयल जो है रस के ऊपर तैर रहा है। अब इसे अप्लाई करोगे आप अपने बालों की स्कैल्प पे। हो सके तो आप इसको हल्का सा गर्म भी कर सकते हो। गर्म करने के लिए आपको इसे गैस पे नहीं रखना है, आप इसे धूप में रख लीजिए तो थोड़ी देर में ये गर्म हो जाता है। अब बालों की स्कैल्प पे लेंथ पे आप इसे अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए। लगभग 1 घंटे के लिए आप इसे जरूर अपने बालों में रखिए।
नेक्स्ट कड़ी पत्ता को आप एक टोनर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा झंझट में अगर आपने नहीं पड़ना है, ऑयल लगाना आपको अपने बालों में पसंद नहीं है, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है कड़ी पत्ता को अपने बालों में यूज़ करने का। इसके लिए अगेन आपको ये कड़ी पत्ता का रस चाहिए। रस कैसे निकालना है वो आप पहले ही देख चुके हो, मिक्सर जार में पीस करके आप रस निकाल लीजिए। और उसके बाद आपको चाहिए कुछ इस तरह की बॉटल, ये स्प्रे बॉटल है, और अगर आपके पास इस तरह की बॉटल ना हो तो भी कोई बात दिक्कत की बात नहीं है, तब आप कॉटन पैड की हेल्प से इसे अपने बालों में लगा सकते हो। अपने बालों की स्कैल्प में आपको लगाना है, आपको ऑयल वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कड़ी पत्ता जो है गुणों की खान है, प्रोटीन, आयरन, हर एक चीज़ आपको इसमें मिल जाती है, जो कि आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या करना है कि इस तरह की बॉटल में इसे भर लेना है, और फिर आपको इसे अपने बालों में, बालों की स्कैल्प में अच्छे से स्प्रे करना है, पूरी लेंथ में भी आपको इसे स्प्रे करना है। बस आपका काम बहुत ही इजी हो जाता है फिर तो। इस तरीके से आप भरिए, और फिर ये देखिए इस तरह से स्प्रे की हेल्प से आप इसे अपने बालों की स्कैल्प में अच्छे से यूज़ करें। एक और बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ, जिससे आप कड़ी पत्ता के सारे गुणों का यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से पैक किया फिर ऑयल कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और वो तरीका है कि आप इसे शैम्पू के साथ इस्तेमाल कीजिए। शैम्पू के साथ आप जब इसे इस्तेमाल करोगे तो एक तो ये होगा कि आप जो शैम्पू की वजह से आपके बाल डैमेज हो जाते हैं वो डैमेज भी आपके बाल नहीं होंगे, और कड़ी पत्ता के सारे गुण भी आपको मिल जाएंगे। जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ कि कड़ी पत्ता गुणों की खान है, तो बस सिंपली आप कड़ी पत्ता के जो पत्ते हैं उनका रस निकाल लीजिए इस तरह से। और अब आपको क्या करना है कि आपको कोई से भी ब्रांड का, जो भी आप रेगुलर यूज़ में शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो वाला शैम्पू आपको यहाँ पे लेना है। इस तरह से अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, मतलब जितना आपके बालों में इस्तेमाल होता है उतना आपको यहाँ पे शैम्पू लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक चम्मच, मतलब एक चम्मच से मेरा होगा नहीं क्योंकि मेरे बाल जो हैं थोड़ा सा लॉन्ग लेंथ के हैं, तो मुझे और शैम्पू की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से फिर आपने जो है यहाँ पे लेना है शैम्पू अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग। ये जितना, मतलब जितना मुझे चाहिए उतना मैंने यहाँ पे शैम्पू ले लिया है, और इसे अब हम मिक्स करेंगे इस पानी में अच्छी तरह से। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर आप इसे, जैसे आप अपने बालों में शैम्पू करते हैं बस उसी तरह से आपको इससे शैम्पू कर लेना है। जैसा कि अभी आपने देखा, कड़ी पत्ता को यूज़ करना बहुत सिंपल है। जो भी आपके बालों की प्रॉब्लम है उसी हिसाब से आप इसे यूज़ में ला सकते हैं, या फिर जिस भी तरीके से आप चाहें कड़ी पत्ता को अपने बालों में ज़रूर यूज़ कीजिए। तो चार तरीके आपने यहाँ पे देखे, और पांचवा तरीका ये है, अगर आपके बाल जो है वाइट हो रहे हैं, सफ़ेद बालों की अगर आपको समस्या हो रही है, तो उस केस में आपने क्या करना है कि कड़ी पत्ता का ऑयल लीजिए, साथ में लीजिए कपूर ऑयल और नारियल का ऑयल, मतलब तीनों ऑयल को आप मिक्स कर लीजिए और उससे अपने बालों में अच्छे से मसाज कीजिए। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और बाकी अगर आपको ओवरनाइट नहीं रखना है तो लगभग 1 से 2 घंटे अपने बालों में जरूर रखिए, और उसके बाद आप अपने बालों में शैम्पू कर लीजिए, तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट जो है देखने को मिलते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।